हमने सोचा खाली क्यों जाना है, थोड़ा थोड़ा भी ले जाएंगे तो 25-30 रुपए बच रहे हैं भाई। काम करते करते सूर्यास्त भी हो चुका है, बाकी सब अभी भी काम पे लगे हुए हैं और थोड़ी देर बाद टावरों और भैया औरों की छुट्टी भी होने ही वाली है। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे आप सभी, आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। बाकी मैं जा रहा हूँ सड़क की ओर, आज हमारी बालू आ रखी है फिर से। बाकी कल रात बारिश हुई तो सामने का माहौल देखो कितना गजब का दिखाई दे रहा है, सामने सुंदर सुंदर पहाड़। अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं सड़क में, बाकी जो हमारी बालू मंगा रखी थी वो भी आ चुकी है, तो इसको हम यहीं पे निकालेंगे जहां पे हमने परसों कट्टे भरे थे। तो गाइस, देखने में बहुत आसान लग रहा है पर गीली ये गीला रेत है, बोला बहुत हालत खराब हो रही, बोला भी नहीं जा रहा। ये देखो भाई, कसम से बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी जाना है ड्राइवर साहब को दूसरी जगह। अभी दोस्तों हमने 90% निकाल दिया पर 10% बचा हुआ है। लगातार हम 15-20 मिनट से लगे पड़े हैं, एक मिनट भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे ही नीचे आ रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ और फिर से हम लग रहे हैं। और मम्मी ने भी देखो भाई, मेरे से ज़्यादा जाने है मम्मी पे, भयंकर भयंकर निकाले जा रहे हैं फटाफट। अब बस झाड़ू झाड़ू लगाना रह गया। देखो तो गाइस, अब फैन लिए खत्म हो गया, साफ कर दिया पूरी गाड़ी। अभी यहाँ पे हमने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने भी इतनी मेहनत से चढ़ाया होगा तो हमने सोचा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। गाइस, अब हमने उतार लिया, अच्छा लगा अपनी मेहनत से, नहीं तो 250 रुपये देने पड़ते किसी को। हम इतने मैंने 20 मिनट भी ना लगे भाई, 15 मिनट में उतार दिया, 250 कमा दिए, 250 कमानी बचा दिए कमा दिए लगा ले दे नहीं तो थे। और इतनी जल्दी जल्दी निकाला ना हमने, इतनी स्पीड से, हमने कहा थकेंगे तो एक ही बार थकेंगे। ठंड लग रही थी, पसीना आ गई। हाँ वो तो है भाई, पहाड़ों में यह है, अब हमने बचपन से काम किया है तो हमें इतना वो नहीं है। लोग तो चढ़ भी नहीं पाते पहाड़ों पे, पर बढ़िया है दोस्तों, जिस माहौल में आप रहते हो तो वैसे ही बन जाते हो। ये देखो दोस्तों, अभी कट्टा तो ले आए थे हम, जूड़ा ले जाना भूल गए, अभी इनसे मांगा हमने जूड़ा, धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये वाला खेत भी हमारा ही है, सड़क के जस्ट नीचे, तो ऊपर भी जगह है नीचे भी जगह है, एक फायदा तो है। पर इन फ्यूचर अगर यहाँ पे बड़ा मार्केट बनता है तब हमारे लिए फायदा है, नहीं तो फिर बेकार ही है। वो सामने देखो भाई, हमारे गांव का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, मेन जो गांव है वो इस साइड है। अगर इस जगह पे हमने घर बना दिया तो डेली यहाँ से सामने के नज़ारे बड़े गजब के देखने को मिलेंगे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, बस यही दिक्कत है आगे। अभी मम्मी के पास उठा रहा था और ये देखो मम्मी ने, चलो हो गया सब। तो गाइस, हमने सोचा खाली क्यों जाना है, थोड़ा थोड़ा भी ले जाएंगे तो 25-30 रुपए बच रहे हैं भाई इकट्ठे पे दोनों। अरे इतनी बीतती भी नहीं है, फिर बीती क्यों नहीं है, बीती तो कम बीती है जब बांट के ले जाएंगे एक कट्टा। अगर एक कट्टा ले जाएंगे तो कम, एक आदमी ले जाएगा तो भारी होगा, दोनों बांट के ले जाएंगे तो ठीक है। चलो, सड़क से घर हमारा थोड़ा दूर हो गया ना, 400-500 मीटर, तो इस वजह से मैं बिल्कुल चढ़ाई पे जाना पड़ता है ज्यादा टाइम। मम्मी पूरे रास्ते देखो, इसने कहा था इतना भरो, ये गीली बालू है और भारी हो रही है, तब ठोकर लग रही है। चलो नीचे की मिट्टी भी नहीं छोड़ रही, कितना महंगा पड़ा है हमें। एक बात तो सच है दोस्तों, ये बालू देखो नदी में ऐसी पड़ी रहती है, फिर नदी से ऊपर खच्चर में लेके आना और खच्चर के बाद गाड़ी में चढ़ाना, फिर गाड़ी लेके आना, गाड़ी का किराया देना हमको, फिर गाड़ी से नीचे उतारना, उसके भी पैसे लगते, वो हमने बचा दिए पैसे, के बाद फिर खच्चर में रख के हमें अपने घर तक सारना, इतना महंगा पड़ जाता है ना दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें। मैं नहीं बता रहा था आपको, एक लाल लाल ईंट भी ना 15-20-25 रुपए की पड़ जाती है हम लोगों को। नसीब इतना खराब है, जब तक मकान बनाए तब तक लेटरिन बाथरूम टूट गए, बहुत ज्यादा बारिश हुई पिछले साल तो सारा टूट गया, खत्म हो गया था, जाने के लिए भी नहीं रह गया था, इसलिए करना पड़ रहा। फिर वैसे मैं सोच रही थी अब हम सुमित करेंगे, जो भी करेंगे, मेरा बस का नहीं है, फिर भी करना पड़ता है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा के कारण देखो भाई सब हम झेल रहे हैं, हमें सारी चीजें फिर से करनी पड़ रही है और इतना महंगा पड़ रहा है ना, एक दिन तो देखो तोड़ने में ही लगा दिया, फिर से जोड़ो समेटो, बिल्कुल नए सिरे से होगा काम, तो
कितना बुरा लगता है हमारे फालतू के पैसे जा रहे हैं वो। प्राकृतिक आपदा के कारण टूटा, गवर्नमेंट भी नहीं देती ऐसी चीजों में। जिसको ठेका दे रखा था ना उसने भी ऐसे करा। ठेका में तो काम कराना ही नहीं चाहिए, लापरवाही होती है। ठेका दिया तो दीवार के ऊपर तो उसने गैस पाइप रखा जो लैट्रिन में लगता है, और लेंटर इतना पतला डाल रखा था लैट्रिन के ऊपर गठर का, बहुत पतला, एक ही बार मारा तो टूट गया। टाइटन, ये देखो भाई ये लोग भी घूम रहे हैं यहाँ। जैकी, टाइटन को पूरा नहला दिया गया है। जैकी कितना खुश हो रहा है। ये दोनों साथ के हैं ना तो खेलने में बहुत मस्ती करते हैं। तो नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते हाल बुरे हो जाते हैं, हल्की चीजें भी भारी लगने लगती हैं, और ये तो गीली बालू है, ये और भारी लग रही है। मम्मी रही वहाँ नीचे, थकान लग गई क्या? ये वही के भौरी छोई थे, क्यों भरा था इतना? अरे वहाँ पे तो हल्का हो रहा था, अब लग अब आ गया पर। घूम रहा था इसको बांध के लिया। टाइटन कहाँ घूमता है? ये हमारे मिस्त्री साहब आ चुके हैं और हम इनके लिए ले आए हैं चाय। हमारे भाई जी, लो जी सर, ये हमारे पवन भाई हैं। कल लेंटर पड़ा था और आज यहाँ पे दीवार लगना भी स्टार्ट हो गई, और यहीं पे हमारे सपनों का बाथरूम बनने वाला है। मतलब पहले तो घर वालों ने बनाया था, इस बार हमारे तरीके से हमारे हिसाब से बन रहा है, तो अपने हिसाब से बना रहे हैं। और हमारे मिस्त्री साहब भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो मकान भी उन्होंने बनाया था और ये भी यही बना रहे हैं। मकान का रिजल्ट बढ़िया था तो हमने सोचा ये भी इन्हीं से बनवाते हैं, और देखो भाई अपने हिसाब से करवा रहे हैं यहाँ पे काम। आजकल के दिन दोस्तों ऐसे लग रहे हैं जैसे लॉकडाउन के दिन होंगे, उस टाइम भी हमने ऐसे ही किया था अपनी मकान बनाने में बहुत सारा काम, तो फिर वही काम अब फिर से रिपीट हो रहा है ऐसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुछ तो हमने सारा कुछ खच्चर में सार रहे हैं, खच्चर बहुत ज़्यादा हो गए। आजकल दोस्तों यात्रा सीजन नहीं है, इस वजह से घोड़े खच्चर वाले ज़्यादातर घर ही पे हैं। जब यात्रा सीजन चालू होता है तो उस टाइम काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोग केदारनाथ गए रहते हैं। दोस्तों जो बालू नीचे थी वो वाली नहीं है, ये बड़ी दूर से आ रखी है, लगभग यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर से खच्चर में ही। टाइम ले जा रहा हूँ मैं सभी को गुड़ वाली चाय। ले चाय पिया गुड़ वाली। लो जी, देखिए दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे सुबह से साक्षी दिख नहीं रही है, तो आ गई थी घास लेने के लिए। बाकी भैया ये भी घर का काम कर ही रहे होंगे, मम्मी ने गौशाला का काम किया होगा तो भैया ने घर का किया होगा। मैं घास निकालने में एक्सपर्ट हूँ तो इसलिए मैंने बोला एक्सपोर्ट एक्सपर्ट। कभी 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 ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी देखो जब शाम को गाय भैंस के पास बैठते हैं तो ये वाली हरी घास भी चाहिए होती है, तो ठीक है थकान लग गई होगी। चल, पहाड़ों में बारिश होती है तो अगले दिन का मौसम बड़ा जबरदस्त दिखाई देता है, सामने के पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। मिस्त्री साहब भी एकदम मन लगा के काम कर रहे हैं। तुम तो यही बोल जाए वीडियो बनो, 1 किलो का तो हथौड़ा ही है, पूरा हाथ दर्द हो रहा है। क्यों कर रहे हो? मैं करता हूँ, मम्मी सोचती है मेरे बस का कुछ है ही नहीं, कुछ ना। ये देखिए दोस्तों आज का काम भी इतना बन के रेडी हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत और बनेगा। हमारा काम है ईंट सारने का, उतनी लो मिस्त्री साहब चाय बन चुकी है आपकी, और ये चाय बनाई है साक्षी ने। साक्षी काम किया क्या? हाँ काम चोरी कर रही है साक्षी। ले आजी चाय पे आऊ, थौकी वाला काम कर करी। मम्मी देखो भाई, वाह जी वाह, ये 10-12 किलो की एक ईट है या उससे भी ज्यादा? कत किलो बोलिया है? 15 बाप रे। चाय ठंडी होती है तब। लो जी सूर्यास्त होने ही वाला है और एक और चाय आ गई साक्षी। चलो जी, हमारे मिस्त्री है ना वो चाय के शौकीन है, और पहाड़ी लोग तो शौकीन मतलब उनको चाय बहुत ज्यादा शौकीन। हे भगवान, हमेशा अपने उस पे अंग्रेजी पे मार खा जाती है। ठीक है आप चल जा।
पर एक बात बढ़िया है, कोई भी ड्रिंक नहीं करता है, जिस कारण काफी मोटा खर्चा भी बच जाता है। वरना हर मिस्त्री को शाम को काम करने के बाद ड्रिंक चाहिए होती है, समझ रहे होंगे आप। मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि वन छेत हम प्यंछा वाले छेड़ के जी तुमन ख्याली। साला पहुंच चुके हैं, सौम्या सुनैने को बाहर निकालते हैं। हेलो सौम्या, हाउ आर यू। चलिए जी, ओ इसका नाम है सुनैना और दूसरी का नाम है सौम्या। आज का काम देखो दोस्तों इतना हो चुका है, और एक और सेम इसकी तरह यहाँ बगल में भी बनेगा। थोड़ा चौड़ा इस वजह से बना रहे, हमने कहा स्पेस है और फ्यूचर में भी काम आएगा। और मम्मी का काम है सुबह से ईंट तोड़ने का लगातार। पर क्या करें, हमने ना काफी काम बचाए, मतलब काफी ईंटें बचा दी। नई ईंट आने से बढ़िया हमने ये पुरानी ईंटों को तोड़ा, क्योंकि जो बाथरूम बने हुए थे ना वो ज्यादा पुराने नहीं थे, 3-4 साल पुराने ही थे। काम करते करते सूर्यास्त भी हो चुका है, बाकी सब अभी भी काम पे लगे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद तावर और भैया औरों की छुट्टी भी होने ही वाली है। 7 बजे भेजेंगे इनको घर। हाँ, और भैया फिर धीरे धीरे ना। और भैया देखो भाई पूरा कैसा हो गया, इतनी देर तक किसी के मिस्त्री नहीं रहते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, हमारे साथ रह रहे हैं यहाँ पे इतनी देर तक। उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इमरजेंसी है। हाँ, जान बोतल दी गई था सुबेर मापता नहीं, 2015 से पहले टाइम नहीं है लोगों, सुबेर उठना सीधा बोतल पकड़ी जाना। अगर वाल लोग समझ सकते ना जो बेरा वाल तुम क्या बोना नहीं तेरे तुम वन की सिखो था, पर भीतर है होगना था, आपके बोना भीतर मतलब भीतर रहना था। हम भी भीतर है सिंह बनाना होगना था। हम पागल है क्या, हम भीतर को बनाना, लोग घर के अंदर घोरा भीतर। अच्छा, टाइटन नीचे कहीं गायब हो गया तो उसको लेने चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ छुपा पड़ा है टाइटन। जैकी, हेलो जैकी। वो जैकी इसको काट सकता है पर ये काट ही नहीं सकता उसको। इनकी दोस्ती बढ़िया है भाई, अब बचपन से ही सेम एज के हैं ना। टाइटन से 1 महीना बड़ा है जैकी। चलो टाइटन को आवाज़ देता हूँ, सुन लेता है। टाइटन कम, चलो भाई अब घर चलना है। ये बहुत शैतान है, इस वजह से हमने इसको मास्क लगा रखा है। हेलो जैकी, ले जैकी। देखो भाई जैकी कितना फास्ट आया, कम जैकी। आजकल हम बर्तन भी इस साइड धो रहे हैं, बाकी सामने के नज़ारे और मौसम देखो। एक्सपोजर थोड़ा लॉक कर देता हूँ। ये देखो भाई, मन कर रहा होगा ना पहाड़ों में घूमने को शांति और सुकून से। अभी तक मैं अपना डॉगी लेने गया था और ये अब अपना डॉगी लेने आ रखा है, और इसका डॉगी है उधर। जैकी ले, हेलो, पकड़ भाई पकड़। ओ पकड़ लिया, फंस गया शेर जाल में। ये देखो भाई खतरनाक मिस्त्री बुला रखे हमने, बहुत लंबा पेड़ था तो उस पर वही चढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पेड़ की हाइट कितनी ज्यादा है, भाई ऊपर चढ़ा हुआ है भाई। अभी दोस्तों 2 ड्राम तो हमने साइड कर लिए, लेकिन एक का रिस्क है, ऊपर से पूरा फांगा नीचे गिर गया तो तब दिक्कत भी हो सकती है भाई। पानी नीचे गिरा के सारे ड्राम हमने उधर लगा लिए हैं। जिस वाली छत में मैं अभी हूँ यहाँ से और भी गजब के व्यू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर काफी लॉन्ग हमारे घर के आगे बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ देखो भाई जहाँ जहाँ नजर मारो सब जगह काफी प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। अभी हम ना तो गाइस अभी ना घास समेटते हैं सारे को, और अभी ना एक बड़ा फांगा आ रहा है, उसके बाद रात भी होने ही वाली है, तो जल्दी से समेटते हैं। चलो भाई अब लेके चलते हैं घर की ओर। वाले पेड़ पे चढ़ना बहुत हार्ड था भाई, लेकिन मिस्त्री साहब चले गए। मैं बनाता हूँ एक आखिरी चाय, तब तक साक्षी समेटेगी पूरा।
ये रही आखिरी चाय आज की हला। ये हमें बोल रहे हैं कि कल हम कहीं और जाएंगे काम पे, हम बहुत गुस्से हैं। तब आज बहुत लेट जा रहे हैं हम गौशाला में, क्या करें, पूरे दिन भर बहुत मेहनत की हमने। हालत खराब हो गई भाई, पहले तो सुबह बालू उतारी, उसके बाद हमने पूरा लेबर का जितना भी काम होता है ना मिस्त्री के साथ वो सारा किया। गाय भैंस बोलूंगे कहाँ गए। मम्मी भैया भी गौशाले से आ चुके हैं। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।